नमस्कार, मैं हूं सीमा संजय और आप देख रहे हैं मेरे साथ जिले का सबसे तेजी से बढ़ता वेब चैनल जांजगीर एक्सप्रेस 07। आज हम आपको लेके चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। समाचार देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। जांजगीर चांपा जिले की लाल ने पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया और जिले का यह पहला सैन्य अधिकारी होगा। दरअसल में यूपीएससी के द्वारा नेशनल डिफेंस एकेडमी जिले के डबरा ब्लॉक मुख्यालय अंतर्गत जवाली के सौरभ कपूर ने ऑल ओवर इंडिया में 202 रैंक हासिल कर जिले का पहला आर्मी ऑफिसर बनने जा रहा है। सौरभ कपूर के चयन होने की जानकारी मिलने के बाद मानो उसके घर में दीपावली जैसा माहौल बन गया, घर के सभी लोग खुश हैं। वहीं सौरभ ने SUN24 न्यूज से बातचीत के दौरान बताया कि सभी लोग अपनी जिंदगी जीते हैं, खुद के लिए जीते हैं, मगर सैनिक देश के लिए जीता है और वह चाहता है कि वह देश के लिए जिए। दरअसल सौरभ जब सैनिक स्कूल अंबिकापुर में पढ़ाई कर रहा था तब वहां के अधिकारियों को देखकर वह प्रभावित हो गया। आपको बता दें कि सौरभ का बड़ा भाई भी सैनिक स्कूल में पढ़ा रहा था। अपने बड़े भाई को आदर्श मानकर वह भी सैनिक स्कूल में दाखिला ले लिया, जिसके बाद वह वहां के अधिकारियों को देखकर और सैनिक स्कूल के वातावरण से प्रभावित होकर वह सैनिक अधिकारी बनने का प्रण लिया। वहीं जब सौरभ के मेरा नाम सौरभ कपूर है, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर का कैडेट हूँ। मैंने इंडिया की एग्ज़ाम क्रॉस की। मेरी मेन प्रेरणा थी कि मेरे को ऑफिसर बनना है, मेरे को देश की सेवा करनी है। वहाँ जाके ये पता चला कि ऑफिसर्स की लाइफ कैसी होती है, उनकी लाइफ की पूरा देश के लिए होता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश के यूथ्स को इससे बेटर चांस और नहीं मिला है कि हम आर्म फोर्स ज्वाइन करें एज एन ऑफिसर। डायरेक्ट हम बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं और अपना पूरा क्वालिटी हम दिखा सकते हैं वहाँ पर। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे कंट्री के यूथ्स को ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना चाहिए और NDA OTA जैसे एग्ज़ाम्स निकाल के इंडिया आर्म फोर्सेज ज्वाइन करना चाहिए। मेरे पापा टीचर हैं, मेरे माँ बाप दोनों टीचर हैं और मेरा भाई भी सैनिक स्कूल अंबिकापुर का है। मेरे मेन प्रेरणा सोर्स थे आशीष तमांग सर, जो कि विंग कमांडर थे एयरफोर्स में। उनका क्वालिटी देख के मेरे को हमेशा लगा कि मेरे को ऐसा पर्सनालिटी और क्वालिटी डेवलप करना है। और वो हमेशा हमें बोला करते थे कि हमें आर्म फोर्स ज्वाइन करना है क्योंकि हम देश की सेवा करना चाहते हैं और देश के आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत खुशी है कि मेरी जो इच्छा थी देश सेवा, मैं तो नहीं कर पाया, लेकिन मैं अपनी इच्छा से मेरे बच्चे को भेजा। इसके साथ साथ मैं अभी भी सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय के लिए बच्चों को फ्री में ट्यूशन देता हूं ताकि अधिक से अधिक बच्चे देश सेवा के लिए वहां पहुंचें। अभी लगभग 20-25 बच्चे मेरे वहां सैनिक स्कूल अंबिकापुर में हैं जो पढ़ रहे हैं, जो कि इसी प्रकार के ऑफिसर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि आज मेरा बेटा भी इस जगह में पहुँचा हुआ है और मैं जब तक रहूँगा तब तक इसीलिए लड़ता रहूँगा कि बच्चों को मैं फ्री ट्यूशन दे करके देश सेवा के लिए भेजता रहूँगा। ये मेरी इच्छा है और यही मेरी एक सपना है और मेरे सपना को मेरे बेटा ने पूरा किया और उससे मुझको और एनर्जी मिली है और उससे एक ऊर्जा मिली है। उस ऊर्जा को लेते हुए मैं इस क्षेत्र के और बहुत सारे बच्चों को जिनको अभी भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अभी भी उनको कोचिंग करा रहा हूँ, वो भी निःशुल्क कोचिंग रहता है, उन्हें भेजूँगा सैनिक स्कूल और अधिक से अधिक बच्चों को मैं देश सेवा के लिए या ऑफिसर्स के लिए या मेरे बच्चे ने जिस पोस्ट को प्राप्त किया है जिस जगह में गया है उस जगह के लिए भेजने का प्रयास करूंगा।